नमस्कार, पैनोरमा लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं सितंबर 2016 का पर्यावरण अध्ययन का सेक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं 61 क्वेश्चन से। कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फॉइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फॉइल को मड़ोर कर जोर से दबाती है और फिर पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में यह शिक्षार्थियों को यह सोचने के कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा? वर्गीकरण, अवलोकन, मापन, परिकल्पना। जो सही आंसर है वो है अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय खाली स्थान के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। बच्चे की अस्मिता का पोषण करने, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक की ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, पाठ्य वस्तु और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देना, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने। तो जो सही ऑप्शन है वो है बी। आइए नेक्स्ट करते हैं। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना, समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। उसका सही आंसर है वो है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 64। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला के समूह को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं और उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। जो सही ऑप्शन है वो ए बी सी, यानी 3 सही हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? सृजनात्मक लेखन, निर्दर्शन, प्रदर्शन, चित्र पठन। जो सही आंसर वो है हस्तपरक गतिविधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं, वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत क्या हो सकते हैं? आइए देखिए, परिवार एवं समुदाय, पाठ पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, शिक्षक, कहानियां एवं कविताएं। जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? चारों सही हैं, तो इसलिए सही आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, उसके तापमान वृद्धि करने के लिए। जो सही आंसर है नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बोलती हैं, बताती हैं कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का या के क्या कारण हो सकते हैं? तो ऑप्शंस बहुत सारे होंगे इसमें, सही वो देखना है आपको। पेड़ों, कुओं तथा उनके आसपास के स्थान को मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है, सही है।
आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं, ये भी सही है। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता, ये भी सही लग रहा है। और लास्ट ऑप्शन है, जो तीन ऑप्शन है इसमें, तो जो सबसे सही ऑप्शन इसमें कौन है आपको बताना होगा। 68 का डी, ए और बी, यानी कि सीमेंटेड हो गया है कुएं के किनारे की ज़मीन और आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। अगला देखते हैं, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि, बताइए क्योंकि। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, डांस तो करते हुए दिखता नहीं है वो। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है, उससे अच्छा तो उड़ के चला जाता। बगुला भैंस को डराना चाहता है, अब बताओ भैंस बड़ी है कि बगुला, कौन डरा देगा। बगुला था भैंस में सहजीवी संबंध है, ये सही है क्यों, उसमें सब कीड़े खाता है भैंस की पीठ से, तो सही आंसर हो गया 69 का। तो नेक्स्ट आंसर हो गया 69 का डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए करते हैं हम, बगुला था भैंस में सहजीवी संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है, जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। ह्यूमस उपलब्ध कराना, तो इससे बढ़िया ह्यूमर उपलब्ध करा देते, पौधे को बोलने लगते। पौधे को सहारा देना, जल तथा खनिजों को अवशोषण करना, भोजन भंडारण संचित करना। तो क्या है, ह्यूमस उपलब्ध कराना जड़ का कार्य नहीं है, बाकी तीनों कार्य हैं, क्योंकि ह्यूमस उपलब्ध करा देगा तो बोलने लगेंगे ना पौधे। अगला है, कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कर्णम मल्लेश्वरी बुक में है एनसीईआरटी के, चलिए पढ़ते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर हैं, सही है। वह कर्नाटक की हैं, गलत है। उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। 30 किलोमीटर तक का भार, 30 किलोग्राम होना चाहिए ना, 30 किलोमीटर लिखा हुआ है, भार उठा सकी थी। जब वह 12 वर्ष की थी तभी से भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। जो सही आंसर होगा ए सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीढ़ीदार कुएं तथा बावली से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। अब बावली देखना हो तो पुराना किला चले जाइए या फिर अग्रसेन की बावली घूम लीजिए। सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। सामुदायिक स्रोत के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, उनमें केवल संदूषित जल होता है। तो कौन कौन से ऑप्शन सही है ये देखते हैं। फर्स्ट, जल भंडारण के लिए। बी, सामुदायिक स्रोत के लिए। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। सही ऑप्शन ए, बी और सी है। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है। बहुत सुना होगा बांद्रा वर्ली सीलिंग, सुना है ना, बांद्रा वर्ली सीलिंग समुद्र के लिए जो बना है, कहाँ बना है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में वर्ली नामक स्थान है। तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं। अब इस राज्यों को बताने के लिए आपको मैप की जानकारी होनी चाहिए, अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे मैप को तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ईजी है। निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य बताना है तो पहले दूर राज्य ढूंढिए कि तमिलनाडु से दूर कौन कौन से राज्य हैं। गुजरात दूर है, काट दीजिए। आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक बचा, तो गोवा भी मैप पर देखेंगे छोटा सा जगह है, वो भी दूर है, तो ये भी कट गया और गोवा होने की वजह से सी भी कट गया। तो जो बचा ऑप्शन आपके पास कौन बचा, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो ये भी हो गया। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्ते की हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। तो बड़ा चालाक जानवर है, पैर सुन के पैर का भी बता देगा कौन आदमी आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, इतना सेंस होना चाहिए, है ना। चलिए तो देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा, गिद्ध, रेशम का कीड़ा, कुत्ता, बाघ। तो इसका सही आंसर है गिद्ध। अगला है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगे पर्वतों में हैं, किस पर्वतों में है? अब अहमदाबाद से चलेंगे और जाएंगे कहाँ तक, अब केरल तक, तो आप पश्चिमी घाट की तरफ जा रहे हैं, तो जो आपको ये मिलेंगी सुरंगे पश्चिमी घाट में मिलेंगी। पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग किन लोगों के लिए सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं, तो किसके लिए सापेक्ष हम उल्टे हैं,
लीबिया के लिए, अल्जीरिया के लिए, अर्जेंटीना के लिए, अलास्का के लिए, तो हम लोग अलास्का यानी यूएसए के सापेक्ष हम लोग उल्टे हैं। ठीक है, अगला है मच्छरों की प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गंध से मर जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, गंध से नहीं मरेंगे। ऑप्शंस को पढ़ते हैं। मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जाता है, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। तो यही सही आंसर है 78 के डी। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है, मतलब ये इंसान नहीं है, इंसान कॉलोनी में रहने लगा है ना अब, तो कौन नहीं रहता है, आइए पढ़ते हैं, पढ़े हैं MBBS में कौन कौन लोग कॉलोनी में रहते हैं। तो चींटी, ततैया, बर्रा और दीमक ये कॉलोनी में रहते हैं इंसानों की तरह बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, जबकि मकड़ी कॉलोनी में नहीं रहती, वह अपना जाला बना कर रहती है। ग्रामीण क्षेत्र में के मकानों में के ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकान के लक्षण नीचे दिए गए हैं, बताइए, देख के बताइए, पढ़ के कहाँ के हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, भारी होते होंगे इसलिए बना दिए ऊपर। मंदिर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकाने की छत ढालू होती हैं। तो इतना पढ़ के सोचने की जरूरत नहीं है, ये NCERT की EBS की बुक में दिया है। इसका सही आंसर असम है, असम के घरों की विशेषता ऐसी होती है। अगला क्वेश्चन है कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है। कुडुक भाषा मणिपुर, अरुणाचल, मिजोरम, झारखंड। सही आंसर इसका झारखंड। अब NCERT 2005 से क्वेश्चन है। NCERT 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है, विषय वस्तु है पर्यावरण अध्ययन की। सौर मंडल, मौसम, ऊर्जा और भोजन जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भोजन एक विषय वस्तु है, थीम है। वैसे शेल्टर, फूड, फ्रेंड्स, ये सब करके बहुत सारे थीम दिए गए NCERT 2005 में। अगला है पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है। सही आंसर ढूंढते हैं इसका। यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि बनाने में मदद करता है, आधारित गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। यह अवधारणा मुद्दों और कौशलों के बृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। यह विषय सीमाओं को नरम बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। वह यह पाठ योजनाओं का ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। तो सही ऑप्शन है आपका सी। 84 प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है। कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन को में सहायता करती हैं। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं में संबंधित संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। कहानियों में व्यक्तित्व के अनुभव शामिल होते हैं। जो सही ऑप्शन है ये है, यही कम उपयुक्त है। 85 पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में क्या करना चाहिए। परिभाषाओं और व्याख्याओं को दूर रखा जाना चाहिए। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चे के प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। बच्चों को केवल लिखित जानकारी देनी चाहिए। जो ऐसा करना चाहिए काम, आपको 3 काम करने चाहिए, ए, बी और सी। 35 का सी आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। आकलन प्रक्रिया के बारे में सबसे कम उपयुक्त कौन सा है। सीखने के संकेतकों और उपसंकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसे टिप्पणियाँ बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं। बच्चे के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। बच्चों को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठ पोषण देना वांछनीय अभ्यास है। तो यही सबसे कम उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं। अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है। परिकल्पना एवं प्रयोग करना, न्याय के लिए सरोकार, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण एवं चर्चा। तो सही आंसर है अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को
द्वारा संबोधित करती हैं, खाली स्थान है। सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, विज्ञान के विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, जो सही आंसर है 88 का सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, कक्षा पाँच ए के शिक्षक एक सवाल देते हैं पेड़ों के पांच लाभ लिखे, जबकि कक्षा पाँच बी के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो, इन सवालों की प्रकृति कैसी है। ए मुक्त अंत वाला अभिसारी है, बी बंद अंत वाला अपसारी है। इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। ए मुक्त अंत वाला अपसारी है और बी बंद अंत वाला अभिसारी है। ए बंद अंत वाला अपसारी है और बी मुक्त अंत वाला अभिसारी है। ए बद अंत वाला अभिसारी है और बी मुक्त अंत वाला अपसारी, जो सही आंसर है वो है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा एक में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है बताना है आपको। मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो, ड्राइंग क्योंकि बच्चे को इसमें आनंद आता हो, शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग, किसी को ना रोके नीति के ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं। तो जो सबसे सही है वो ऑप्शन है ए बी और सी। तो इतना था आज की पर्यावरण अध्ययन के सेक्शन में। नेक्स्ट अगले लेकर के आएंगे हिंदी। तो आपके लिए अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा आपको तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।